यूट्यूब किड्स के ऊपर जो इस वक्त तूफान बदतमीजी मचा हुआ है उसमें से मैं चाहूँगा कि हम एक चीज़ दिखाएं। ये एक क्लिप है एक वीडियो का जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी इट्स ओके टू बी गे लिप सिंक, और ये ड्रैग क्वीन टाइप का टाइम उन्होंने बच्चों के लिए दिखाया हुआ है। एंड यकीन करें कि इट्स वेरी वेरी हिडियस व्हाट दे आर शोइंग, कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी अब सेफ नहीं है इसके ऊपर। इसमें हम एक क्लिप भी मुलाजा फरमाते हैं जी। ये भी एक ड्रैग बच्चा है डेजमंड इज अमेजिंग के नाम से। इन्नलिल्लाह। ये देखें अब छोटे बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप एक ड्रैग किड हो, यानी ड्रैग किड का मतलब आपको पता क्या है? ड्रैग किड का मतलब ये ड्रैग क्वीन क्या होता है? ड्रैग क्वीन इज बेसिकली समथिंग फॉर अडल्ट एंटरटेनमेंट। इट्स मैन, बायोलॉजिकल मैन हु ड्रेस अप लाइक वुमेन बिकॉज इट्स अ सेक्सुअल किंक समझ लिए उनके लिए होता है, और वो करते हैं। और ये बच्चों को भी उसी तरह से औरतों की तरह ड्रेसअप करवा के वहाँ ड्रैग शोज पर लेके जाते हैं जहाँ पे एडल्ट मैन आर देयर टू वॉच दिस टाइप ऑफ शो। ठीक है, तो इट्स वेरी एक्स रेटेड होता है। पीडोफाइल जाते हैं वहाँ पे, पीडोफाइल ही जाते हैं, यानी ड्रैग शो को देखने के लिए तो होमोसेक्सुअल जाता है ना, क्योंकि ड्रैग शो को देखने के लिए। लेकिन अगर बच्चों से करा रहे तो वो होमोसेक्सुअलिटी के साथ पीडोफिलिया भी लेके आ रहे हैं। कुछ केसेस हैं ऐसे जी, वो जो है ना वो ट्रांस एज वाले, वो 60 साल का एक बंदा जो है पता नहीं कुछ 6-7 बच्चों का बाप भी और 5 साल की वो अपने आप को बच्ची की तरह शो करता है, तो वो जो बच्चों के साथ इस तरह के कुछ केसेस ऐसे हैं कि एक्चुअली दे वांट टू हैव एन इजी एक्सेस विद किड्स, तो आप उनको ना ही नहीं कर सकते। जैसे ये वारिस साहब जो हैं ये कह सकते थे कि तुम अपने आप को बड़ा अपना छोटा ही समझना, ट्रांस एज ही समझ लेना, तो ट्रांस एज वाले तो कुछ केसेस सामने आए हैं कि देयर एक्चुअली आर पेडोफाइल्स, उनको इजी एक्सेस तरह से मिल रहा है बच्चों के। ड्रैग में ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो इस चीज़ को एग्जैजरेट भी करते हैं जी, मतलब किसी चीज़ को ड्रैग करना, अगर फेमिनिन बनना है तो कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप बनते हैं, बिल्कुल फैटी। ये जो है बच्चा जो है ये इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, ये अब बाकी बच्चों को नसीहत कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम ड्रैग, और दिस इज हैपनिंग वेयर ऑन यूट्यूब किड्स। ओके, यूट्यूब किड्स। अच्छा वैसे जब लड़के को इतना ज्यादा बच्चे को मेकअप करा दिया है, इस एज की तो लड़कियां भी इतना मेकअप नहीं करती है। जी बिल्कुल सही बात है, और वो जो रेनबो कलर साथ और वो क्वेयर एंड एवरीथिंग एल्स। अच्छा एक और वीडियो देखते हैं हम इंशाल्लाह, उस पे जाते हैं। I am. Should I ask my questions again, even though I already asked Jeff? Yeah, you might actually get different answers from Mr. than you did from Jeff. Oh, okay. Iska naam hai Mr. Iska drag queen ka naam. Mr. Well, when I'm in drag, I like she as my pronoun. But honey, you can call me whatever you want. Okay. Mr., I have a couple of questions for you. Sure. Why do you have a beard? When I do drag, I love to push the boundaries of gender. And also, doesn't it look great? It definitely does. What does a drag queen do? ये अब देखें कि ये हमारे बच्चों को इनसे डिसेंसिटाइज की जा रहा है, और यहाँ पे यानी द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। देयर आर वीडियोस वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इट मींस टू बी गे, व्हाट इट मींस टू बी अ लेस्बियन, व्हाट इट मींस टू बी दिस दैट, एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू किड्स। और इसके गाने भी हैं, इसके अंदर पूरे जिंगल्स हैं, पूरे पूरे गाने हैं कि इट्स ओके टू बी गे, इट्स ओके टू बी दिस। अब ये क्या हो रहा है, अभी से बच्चों की प्रोग्रामिंग है, तो ये तो हमारे अगली जनरेशन का तो सत्यानाश हो जाएगा। इमेजिन ऑन दिस कंटेंट व्हाट दे डूइंग, इट्स अ बिग वॉर आई वुड से, बिकॉज़ समथिंग कमिंग फ्रॉम द मीडिया, इट हैज द पावर ऑफ कन्विंसिंग यू, एग्जैक्टली। तो बट सी दैट्स द बच्चों से बचपन छीनने वाली बात है ना, बिकॉज इफ यू रियली ब्रेक इट डाउन टू देयर एज, हाउ वुड यू इवन, हाउ वुड दैट किड इवन नो कि वो गे है? That has something to do with the sexual orientation, right? Exactly. उस एज में तो sexual orientation बच्चे को पता ही नहीं होती उसकी क्या है। वैसे बात बड़ी तो उसको उन्होंने impose करके बता दिया, नहीं तुम हो। वो पूछ रहा है। जो बच्चा पहले बैठा हुआ था, हाँ, exactly. अब उसको तो अभी तो वो इतना mature ही नहीं हुआ कि वो उसको discover कर पाए ना अपनी sexual उसको orientation को। ये उसकी liberation का हिस्सा बनाते हैं कि इनके parents जो है ना वो कहते हैं जी हमारे, ये बच्चा खुद बल्कि बता रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रैग शोज पे लेके जाते थे और LGBT परेड पे लेके जाते थे, और वहाँ जाके मुझे ना, यानी जब आप बच्चों को देखिए, बच्चा तो एम्युलेट करता है ना चीज़ें, जो कुछ उसको आप कंटेंट देंगे। अगर आप बच्चे को सुपरमैन दिखाएंगे वो कहेगा आई एम सुपरमैन, उसको आप हल्क दिखाएंगे वो कहेगा आई एम इनक्रेडिबल हल्क, उसको आप कुछ और दिखाएंगे वो उधर बन जाएगा। आप उसको अगर कंटेंट ये सारा दे रहे हो और उसकी जो वर्ल्ड आपने क्रिएट की है वो यही वर्ल्ड है जहाँ पे, जो कि हाईली सेक्सुअलाइज्ड है, जहाँ पे गे परेड्स हो रही हैं, आप उसको जो है ना वो अडल्ट बार्स में लेके जा रहे हो। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट डज दैट, दैट इज वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट पेरेंटिंग।
और फिर बच्चे को जिस तरह से इसने डांस किए हैं पोल के ऊपर, पोल डांसिंग की है, ये बच्चा है यार, ये बच्चा है, उसको पोल डांसिंग करवा रहे हैं आप, और ये क्या सेक्सुअलाइजेशन नहीं है बच्चों की, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है बच्चों की? एब्सोल्युटली। और ये वो बच्चा देख रहा है कि यू नो YouTube Kids में आप एज सेट करते हो कि मेरे बच्चे की ये एज है, फॉर एग्जांपल 5 से 7 का आप जब प्रोफाइल सेटिंग करते हो तो आपको, आपके पास पूरा एक्सेस नहीं होता, यू बेसिकली मेक द प्रोफाइल ऑफ योर चाइल्ड और उसमें जब आप कर लेते हो यूट्यूब गिव्स यू द वीडियोस, तो वो यही देगा, वो ये वाली वीडियोस देगा। दिस इज वन, यू नो इट्स सो डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट आवर किड्स विल ग्रो अप वाचिंग Mr. or Mr. जी Mr. So it's not Mr. It's Miss Tur. Also wanted to say Mr. तो खैर ये अब देखें कि सिचुएशन कितनी, अब हमारे लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ये नहीं, अब वो ज़माना नहीं है कि आपने बस कंटेंट पकड़ा के बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया और कहा कि बेटा अब यूट्यूब किड नाउ इज अ सेफ प्लेस, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस एनीमोर। और ये कंटेंट बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है एंड देयर सो मेनी वीडियोज, मैं तो हैरान हो गया यूट्यूब किड्स पर जाके देखे कि जो हर दूसरा वीडियो इसी तरह का आ रहा है, हर दूसरा वीडियो जो नॉर्मल सजेस्ट हो रहा है वो इसी तरह का हो रहा है, बिकॉज दीज आर द अकाउंट्स जिसको वो लोग अपने एल्गोरिथम के मुताबिक ऊपर लाते हैं। एवरीवेयर ना देखें, एक तो यूट्यूब है बहुत ज़्यादा कॉमन, दूसरा ड्रामास में भी अब आने लग गए, सो दे आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग एंड बम्बार्डिंग एवरी एज ग्रुप, पेरेंट्स को अलग से, बच्चों को अलग से, बिलबोर्ड्स पे, प्रोडक्ट्स वाइज, एवरीवेयर, यू नो बेसिकली यू नो एवरीबॉडी एम्स, दुनिया की हर सिविलाइजेशन के बच्चों को उनका बचपन दिया जाए। आई मीन वी रन कैंपेन्स राइट, जो बच्चे भट्टों पे काम करते हैं कि इनको नहीं करना चाहिए, लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड, और ये एक्टिवली बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं, पुशिंग देम इनटू एडल्टहुड फार अर्लियर देन दे शुड। अच्छा एक तरफ यहाँ तक चले गए स्कैंडिनेवियन स्कूल मॉडल, और ये कि बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजो इसलिए कि उनका बचपन है, मासूमियत है, उनको माँ बाप के साथ इंजॉय करने दो, 7 साल के बाद स्कूल में भेजो, श्योर ओके दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट देन यू डोंट रियलाइज कि इन्हीं बच्चों को जब आप हाईली सेक्सुअलाइज्ड माहौल में आप उस एज में डाल देते हैं तो आप बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं, वो फिर बच्चों की इंजॉयमेंट कहाँ पे चली जाती है। जो बात मैं कहने लगा हूँ, इट ब्रेक्स माई हार्ट टू से इट, बट वी हैव टू पुट इट आउट टू द पब्लिक कि अगर बच्चे को नहीं पता कि वो गे है, अगर बच्चा अभी सेक्सुअली इतना मेच्योर हुआ ही नहीं है कि वो इस तरह की एंटरटेनमेंट को इंटरनलाइज कर सके, और फिर भी उसको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो फिर एक्चुअली ये एंटरटेनमेंट है किसकी? बच्चे की तो नहीं है, तो फिर ये अडल्ट्स की है ना जो सारा कुछ कर रहे हैं। ये तो आपने अपनी ज़हनी अय्याशी, एग्जैक्टली आपने अपनी ज़हनी अय्याशी को आर्टिस्टिकली लीगलाइज करके आपने दे दिया, बच्चा तो इस इनडिफरेंट, उसे पता ही नहीं है ये सारा कुछ हो क्या रहा है। देखिए हर बच्चे की बायोलॉजिकल एक वो है ना, अब जरी ग्रोथ जो है उसमें इस एज में तो बच्चे के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि आप क्या बात कर रहे हो, व्हाट ही डजंट इवन अंडरस्टैंड इट और शी डजंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर एक टाइम आता है कि जिसको थोड़ा सा वो अवेयर होता है अपने बारे में, अपनी जेंडर के बारे में थोड़ी अवेयरनेस पैदा हो जाती है कि अच्छा मैं ये वाले कपड़े पहनता हूँ, मैं ये वाली गेम्स खेलता हूँ। आप तो बहुत पहले ग्रूमिंग शुरू कर रहे हो बच्चों की, बहुत पहले, और ये लिटरली ग्रूमिंग है, यानी ये पीडोफाइल्स करते हैं बच्चों के साथ कि उनको सेक्सुअली ग्रूम करते हैं। देखे ना आप बच्चे के जहन में जाके देखे ना, सो देयर इज अ किड 6 साल का 7 साल का स्टैंडर्ड किड, उसके जहन के अंदर जाके देखें कि वो किसी और बच्चे को देखता है तो उसके जहन में क्या आता है, इसके साथ ये शरारत करते हैं, इसके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, छुपन छुपाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आपका जो मॉडल है उस बच्चे के जहन के अंदर झाँक के देखें, वुड यू ऑनेस्टली बिलीव कि वो 6-7 साल का बच्चा किसी और बच्चे के साथ देख रहा हो और कहेगा आई शुड हैव सेक्स विद हिम? अभी तो इन्होंने करिकुलम के अंदर जो किताबें रिकमेंड की हुई ना बाहर, वो तो आप देखें तो आप कानों को हाथ लगाएं कि द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर पुटिंग फॉर किड्स इन द एकेडमिक करिकुलम उनके अंदर जो डाल रहे हैं, और जो किताबें उनकी लाइब्रेरीज में अवेलेबल हैं दे आर वेरी वेरी एक्सप्लिसिट, यानी प्रॉपर एक्ट्स होते हुए दिखाए हैं कि इफ यू फील लाइक डूइंग दिस देन यू शुड डू दिस, यू शुड ट्राई इट एटलीस्ट वंस, मे बी यू लाइक इट, यू नो आप फलाने के साथ ये करके देख लो, फलाने के साथ अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करो, यू नो ट्राई दिस ट्राई दैट एंड सी व्हाट सूट्स यू। और ये जो मैं इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे और मैंने देखा कि किस तरह से वो पीछे कंसिस्टेंटली एक जिंगल सा चल रहा है, थीम चल रही है, एक टेडी बेयर है, टेडी बेयर को यूज़ कर रहे हैं, दे हैव यूज्ड ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ट्राई टू सेल अ पॉइंट लिटरली टू किड्स, व्हिच इज वेरी वेरी अलार्मिंग। इसका हल क्या है भाई? हल ये है कि इंसान सबसे पहले तो अपने बच्चों को जो है ना कंटेंट फिल्ट्रेशन के ऊपर आ जाए सबसे पहले। डोंट ट्रस्ट यूट्यूब, डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पे ये जो कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना इंसान अपने बच्चों की तरह लेके आए, ये वो टाइम आ गया कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद रिगार्ड्स टू द कंटेंट। और मैं सबसे बड़ी बात समझता हूँ कि पेरेंट्स नीड टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स देमसेल्व्स,
सबसे बड़ी चीज ये है कि माँ बाप खुद इन्वॉल्व हो. देखें ये पेरेंटिंग आउटसोर्स करना छोड़ दें. स्टॉप आउटसोर्सिंग पेरेंटिंग. पेरेंट आप हैं, यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब किड्स नहीं है. आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है और आपने उनको बतानी है कौन सी स्टोरीज हैं. आपने उनको उनकी डेवलपमेंट में, उनकी एजुकेशन में, उनकी नर्चरिंग में अपने साथ उनको लेके जाएं, ट्रैवल करें. लेट देम बी किड्स, यू नो, लेट देम हैव फन एंड प्ले गेम्स विद देम, स्पोर्ट्स विद देम, बजाय इस किस्म की नॉनसेंस में डाल के उनका दिमाग बेचारों का अभी ऑलरेडी डेवलप हो रहा है. ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लेके आ रहे हैं जिनकी उनकी फ्रेंकली उनके पास वो अभी वो लेवल ही नहीं है उनका समझने का इन चीज़ों को. और अभी से आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उन बेचारों को मजीद कन्फ्यूज कर रहे हैं और एक गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं.